हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आए हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज में से आपने आज करते हैं टाइफाइड। तो आज का अपना टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड तो टाइफाइड को अपने क्या कहते हैं, निकाड़ा कहते हैं। निकाड़ा टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि टाइफाइड को आल्सो नाउन एज एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर कि अपने टाइफाइड को क्या है, एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारा कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है पहले। तो टाइफाइड का दूसरा नाम या आल्सो नाउन एज क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर। तो टाइफाइड क्या है, कि बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसी को अपने क्या पॉजिटिव एजेंट बोलते हैं, कि टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए अपने कौन सा मेथड यूज किया जाते हैं, कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट कि ये किससे, किसके थ्रू होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनडायरेक्ट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये अपने ओरल कैविटी से जाएगा अपनी बॉडी पे और इंटेस्टाइन में रिप्लिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रूट हो गया, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है बच्चों, ये किसके थ्रू है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इंटर करेगा बॉडी के अंदर। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और अपने कौन से रूट से इंटर करेगा, ओरल रूट। कि ओरल रूट से अपनी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं अपने, और किसके थ्रू करेगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अपने लेंगे तो उसके थ्रू अपने एंटर करेगा बॉडी के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने, इनडायरेक्ट मेथड। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किसके थ्रू ये फैलती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, फिको ओरल रूट। ये अपने फिको ओरल रूट के द्वारा अपने क्या करती है, डिजीज क्या है, एक से दूसरे से अपने ट्रांसफर होती है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। तो नेक्स्ट सबसे पहले है, इसके इफेक्ट कौन सा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कि इंटेस्टाइनल के अंदर डिसऑर्डर होगा तो अपने को क्या सीन होगा, पेयर पेचेज। तो टाइफाइड के अंदर जो सिस्टम इफेक्ट होगा उसको अपने डाइजेस्ट सिस्टम, और किस पे मेनली, किस पे होगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कि जो अपने आंत होगी तो उसके अंदर क्या होगा, इंफेक्शन होगा, किसमें, टाइफाइड के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर इनक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 days, मतलब 10 से 14 दिन। टाइफाइड के अंदर जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, जब बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया एंटर करेगा और अपने साइन सिम्टम शो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपने, इनक्यूबेशन पीरियड। तो वो पीरियड कितना होता है, 10 से 14 दिन या 10 to 14 days। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपने साइन सिम्टम, नेक्स्ट अपने इसके अंदर डिस्कस करते हैं साइन सिम्टम, जिसमें से साइन सिम्टम देखो, फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल अपने इसको पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने एब्डोमिनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो एब्डोमिनल से रिलेटेड अपने को, या अपने इसको कह सकते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स और नोजिया वोमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग,
नोजिया वॉमिटिंग अपने को देखने को मिलेगी, और इसमें अपने रोड स्पॉट ऑन एब्डोमेन एंड चेस्ट पर अपने फर्स्ट किसके अंदर अपीयर होंगे, एब्डोमेन के अंदर। तो रोज स्पॉट किसके अंदर देखने को मिलेगा, एब्डोमेन के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, जो स्टूल होगा वो कौन सा होगा, पी सूप स्टूल होगा, पी सूप स्टूल। कि अपने मटर के दाने हो और उसको अपने ग्राइंड किया होगा तो सूप बनाया, और उसको अपने क्या जो स्टूल उस कलर का जो बनेगा तो उस कलर का इसके अंदर स्टूल अपने को देखने को मिलेगा, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, पी सूप स्टूल। नेक्स्ट इसके अंदर अपने मेटाबोलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन होगी कि पी सूप स्टूल आएगा इसके अंदर, तो उसमें क्या है बाइकार्बोनेट का आयन का लॉस होगा, तो उस कंडीशन अपने क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसके अंदर क्या है अपने स्टेपलेडर फीवर अपने को देखने को मिलेगा, स्टेपलेडर फीवर। स्टेपलेडर फीवर का मीन इसके अंदर होगा कि फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर का नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। किसके अंदर अपने क्या देखने को मिलेगा, स्टेपलेडर फीवर। तो इसका मीन्स हो गया कि फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर का वो नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, कि 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, और उसमें जिग जिग मेनर में मतलब कभी कम हो गया कभी बढ़ गया कभी कम हो गया कभी बढ़ गया उस मेनर में चलेगा, लेकिन वो क्या है नॉर्मल या बिलो नॉर्मल नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, स्टेपलेडर फीवर। और इसके अंदर क्या है इसको अपने क्या देखने को मिलेगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसके अंदर अपने रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर नॉर्मली अपने क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने की क्या है हार्ट रेट या पल्स अपने बढ़ती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा उल्टा होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन हार्ट रेट क्या होगी डाउन होगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो ये जो मेन है साइन तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। तो टाइफाइड के अंदर रोज स्पॉट देखने को मिलता है और इसमें पी सूप स्टूल अपने को देखने को मिलता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है इसके अंदर, और क्या होता है स्टेपलेडर फीवर होता है, और इसमें क्या होता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो ये मोस्ट साइन सिम्टम इंपॉर्टेंट है जो आपको ये ध्यान में रखने हैं, इससे अपने क्वेश्चन बनेंगे। तो आप पी सूप स्टूल है जैसे रोज स्पॉट है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, स्टेपलेडर फीवर है, या रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है साइन सिम्टम, इसमें से क्वेश्चन अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर है डायग्नोसिस, नेक्स्ट इसके अंदर अपने डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर अपने क्या करते हैं, क्या करते हैं हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कि इसके अंदर जो साइन सिम्टम है वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा, और कुछ अपने अपने ऑब्जर्व करने होंगे कौन से, जैसे अपने रोज स्पॉट हो गया एब्डोमेन के अंदर हो गया, और अपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, और अपने स्टेपलेडर फीवर हो गया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो गया, और अपने पी सूप स्टूल। तो अपने इससे अपने क्या करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा अपने इसको डायग्नोसिस लगा लेंगे कि इससे अपने टाइफाइड से कोई साइन सिम्टम इसके अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट अपने इसके अंदर क्या करते हैं टेस्ट, एक मिनोमिक याद रखो आप है बासु, कि इसके थ्रू अपने क्या है क्या क्या करना है तो वो देख लेते हैं अपने, जिसमें अपने फर्स्ट है बी से रिलेटेड है अपने क्या है ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन वो कब करते हैं अपने फर्स्ट वीक के अंदर करते हैं, फर्स्ट वीक के अंदर के अपने क्या करते हैं ब्लड एग्जामिनेशन, और ए से रिलेटेड अपना एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको अपने क्या बोलते हैं अपने विडाल टेस्ट बोलते हैं, विडाल टेस्ट। और वो कब करते हैं अपने सेकंड
वीक के अंदर क्या करते हैं अपने विडाल टेस्ट करते हैं, और इसी को अपने क्या बोलते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं। किसका? टाइफाइड का। कंफर्मेटिव टेस्ट, तो टाइफाइड के अंदर कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। उसमें क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी अपने टेस्ट करते हैं। उसके बाद में एस तो से रिलेटेड अपने क्या बनते हैं? स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन, तो स्टूल एग्जामिनेशन अपने कब करते हैं? थर्ड वीक के अंदर करेंगे। और यू से अपने नेक्स्ट यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन तो वो कब करते हैं? फोर्थ वीक के अंदर। फोर्थ वीक के अंदर अपन क्या करेंगे? यूरिन एग्जामिनेशन। तो ये क्या इसके अंदर डायग्नोस्ट है, और मेनली कंफर्मेटिव टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? विडाल टेस्ट, जिसको अपने क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, तो वो कौन सा टाइफाइड का कंफर्मेटिव टेस्ट है? तो ये अपने ये मिनोमिक याद रखेंगे तो इसे अपने इजी अपने को याद हो जाता है। जैसे अपने ब्लड पहले अपने ब्लड एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक के अंदर, और एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे जिसको अपने क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट, और वो कब करेंगे? सेकंड वीक के अंदर। और एस से अपने स्टूल एग्जामिनेशन वो करेंगे अपने थर्ड वीक के अंदर, और यू से अपने यूरिन एग्जामिनेशन फोर्थ वीक के अंदर। तो नेक्स्ट अपने इसके अंदर है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के अपने क्या करेंगे? तो सबसे अपने क्या हो गया? डायरिया हुआ था उसके अंदर, क्योंकि पी सूप स्टूल हुआ था तो उसमें अपने क्या होगा? फ्लूड लॉस हुआ था। उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे? फ्लूड थेरेपी देंगे इसके अंदर, फ्लूड थेरेपी। और फ्लूड थेरेपी में कौन से अपने करेंगे? आरएल फ्लूड। कौन सा देंगे अपने? आरएल फ्लूड, जिसको अपने इसके अंदर क्या होगा कि पोटेशियम की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। और ये किडनी वाले पेशेंट में आरएल जो फ्लूड होता है उसको क्या करते हैं अपने? अवॉइड करते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर है क्या है? सेकंड प्रॉपर फूड एंड वाटर सैनिटेशन। तो अपने क्या करेंगे इसके अंदर? प्रॉपर फूड एंड वाटर सैनिटेशन करेंगे, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा भी डिजीज क्रिएट हो रही, तो अपने इस चीज को क्या हाइजीन तरीके से अपने यूज करेंगे, तो अपने को डिजीज होने के चांस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने इसके अंदर है ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस टाइफाइड की कौन सी होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? सेप्ट्रिया जोन। कि ड्रग ऑफ चॉइस टाइफाइड की कौन सी होती है? सेप्ट्राजोन होती है, जो क्या होती है? थर्ड जनरेशन जिसको अपने क्या बोलते हैं? स्पेलोस्पेरिन थर्ड जनरेशन, जिसकी अपने क्या होती है? ये सेप्ट्राजोन ड्रग होती है, जो क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? टाइफाइड की। तो ये अपना टाइफाइड कंप्लीट हो चुका है। तो एक शॉर्ट वर्ड में आप देख लो टाइफाइड कैसे होता है। जैसे अपने टाइफाइड है तो टी वाई का मीन्स हो गया अपने टाइफाइड, ठीक है। और अपने क्या हो गया? पी, तो पी का मीन्स हो गया पी सूप स्टूल। पी सूप स्टूल, क्योंकि इसके अंदर अपने को पी सूप स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपने है HO, तो इसमें क्या अपने पेशेंट क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि इसमें पी सूप स्टूल डायरिया तो फ्लूड लॉस होगा, तो इसमें पेशेंट क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। उसके बाद में है आई, तो आई अपने क्या है? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है ये, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है ये। और इसमें लास्ट में है अपने डी, तो ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या है? सेप्ट्राजोन। सेप्ट्राजोन जो क्या है? थर्ड जनरेशन साइक्लोस्पोरिन है, क्या? कौन सी? सेप्ट्राजोन। तो ये तो टी वाई टाइफाइड हो गया, और इसमें क्या देखने को मिलता है? अपने पी सूप स्टूल, और इसमें अपने क्या है? मोर डायरिया लॉस होगा पी सूप स्टूल में, तो अपने क्या है? पेशेंट जो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा।
और जो डिसऑर्डर होगा तो इसमें क्या इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होगा और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है सेप्ट्राजोन। तो ठीक है बच्चों, तो अपना टाइफाइड है जो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स डियर।